दुर्भाग्य है जो भी घटना आज फांसी देवा के इस रंगापानी इलाके में हुआ, और हम सब लोग चिंतित हैं। और आप देख रहे हैं पूरे गांव वाले 10,000 से ज़्यादा की संख्या में लोग आकर के लोगों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, जल्द से जल्द रेस्क्यू का काम पूरा हो। और एक बात की संतुष्टि जरूर है कि रेस्क्यू टीम जिस तेज़ी के साथ काम करनी चाहिए थी वो जुटी हुई है, चाहे वो NDRF हो, SDRF हो, रेलवे की टीम हो, यहाँ का पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रहा है। और हम सबकी प्राथमिकता यही है कि इस समय हम जो है रेस्क्यू को जल्द से जल्द पूरा करें, कैजुअल्टी कम से कम हो। और जो दुर्घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्य है, और ये एक जांच का विषय है कि कंचन कन्या ट्रेन वो अपनी स्पीड में थी या कम स्पीड में थी या रुकी हुई थी, और पीछे से आकर के वो भी दिन के उजाले में जो मालगाड़ी टक्कर मारी है, ये एक जांच का विषय है। वो तो एक्सपर्ट की टीम ही बताएगी, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। देखिए 25-30 लोग घायल हुए हैं, चोटें आई हैं उनको, वो ऑलरेडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, और डॉक्टर्स की टीम वहाँ कैंप लगा के ऑलरेडी जो है तैयार है, और एम्बुलेंस यहाँ पे 2 दर्जन से ज़्यादा एम्बुलेंस खड़ी है। जो चश्मदीद हैं शुरू शुरू में जो गांव वाले आ करके उन्होंने देखा 5 या 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ऐसा उनका मानना है। ऑफिशियल आंकड़े वो तो प्रशासन देगी, मुझे लगता है उसमें थोड़ा समय लगेगा, और साथ ही 25-30 लोगों को कुछ चोटें आई है ऐसा अभी तक ध्यान में है। और मालगाड़ी का जो ड्राइवर है वो अभी भी फंसा हुआ है, कटिंग चल रही है उनको बाहर निकालने का, और जैसा दृश्य में देखने में आ रहा है कि शायद वो मतलब उनको बचा पाना मुझे लगता है मुश्किल है, क्योंकि वो जो स्थिति दिख रही है उसमें शायद वो हमारे बीच नहीं रहे ऐसा ध्यान में आ रहा है। लेकिन अब ये सब स्थिति बनी हुई है, और हम सबका प्रयास यही है कि ये जो एक्सपर्ट की टीम लगी हुई है रेस्क्यू करने में वो जल्द से जल्द पूरा हो। मैं संपर्क में हूँ, और उन्होंने पूरा जो है 8:30 बजे तक अपनी पूरी टीम NDRF को और रेलवे टीम की तैनाती कर दी थी, और स्वयं यहाँ की स्टेट की और पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रही है।